बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे कि जिसमें हर कोई, जिसका रिलेशन एक ऐसी चीज़ से है जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। उसका नाम है मैकडी। मैकडी हर कोई गया है मेरे हिसाब से, और हर जगह पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी आपको ब्रांचेस भी मिल जाएगी। ओके, बट हर कोई चाहता है कि मैकडी में मैं इन्वेस्ट करूं। ओके, मैकडी की फ्रेंचाइजी लूँ। बट मैकडी की फ्रेंचाइजी, जैसे कि आप सबको पता है, 6 से 10 और 12-15 करोड़ में इसकी फ्रेंचाइजी आती है। तो इतना पैसा हर किसी के पास नहीं होता कि वो इसमें इन्वेस्ट करे। बट एक ऐसी कंपनी है जिसका रिलेशन सीधे मैकडी से है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्ट एक बार समझिए कि मैकडी में जा रहा है। तो और शेयर की कीमत भी कुछ खास नहीं है, केवल 350 के आसपास, 400 के आसपास शेयर का प्राइस है। तो हम उस शेयर के बारे में बात करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसका फ्यूचर फोरकास्ट भी एक बार फोरकास्ट करके देखेंगे कि क्या हमें फ़ायदा हो सकता है कि नहीं। तो उस वीडियो में आने से पहले, मैं आप उस शेयर के बारे में बात करने से पहले, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने आती रहे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स के रिलेटेड बातें कर रखी है, बहुत सारे शेयर्स, तो आप जाके उन वीडियो को देखिए, आप डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आइए हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि कंपनी का नाम भी आपके सामने आ रहा है, और एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड इज़ एन इंडियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट होल्डिंग कंपनी। तो ये जो वेस्ट, हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसका रिलेशन, जो कि एक इंडियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी होल्ड करता है। इट्स होली ऑन सब्सिडरी हार्ड कासल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, और होल्ड द मास्टर फ्रेंचाइजी फॉर मैकडोनल्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो जैसे कि आपको यह दिख रहा है कि ये मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी जो वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में है। तो मैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैकडोनल्ड में आपको सीधा इन्वेस्ट करना है, तो आप इस कंपनी की तरफ देख सकते हैं। और इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कंपनी का शेयर, जैसे कि ये आपके सामने है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। तो एक दिन का परफॉर्मेंस देख लीजिए। एक दिन में आपको 2 पॉइंट्स की जंप, मतलब 0.71% की आपको जंप यहाँ पर दिखाई दे रही है। 5 डेज का परफॉर्मेंस देख लीजिए, 355 पे लगभग शेयर चलता था, और आज 369 पे। 1 मंथ का देख लीजिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स, 6 मंथ का देख लीजिए, 6 मंथ का आपको गिरावट दिख रही है। गिरावट की वजह भी देख लेते हैं। गिरावट की वजह सिंपल है, मैकडोनल्ड से रिलेटेड है, फास्ट फूड से रिलेटेड है ये कंपनी। तो जैसे कि आपको पता है, ड्यू टू कोरोना वायरस सारी के सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, जिसकी वजह से इस शेयर पे सीधा इफेक्ट आया है। जहाँ पर ये शेयर कोरोना से पहले 500 के आसपास चलता था, आज ये कोरोना की वजह से 286 पे, और आज लगभग 369 रुपीज़ पे चलता है। तो देखिए, कोरोना आया था, ये रेस्टोरेंट बंद हो गए, ओके, फास्ट फूड चेन बंद हो गई, मैकडोनल्ड बंद हो गए, मॉल आपको बंद होते हुए दिखाई दिए, ओके, जिस वजह से उनके बिजनेस पे सीधा इम्पैक्ट पड़ा। बट अभी जैसे जैसे कोरोना का टाइम बीतते जा रहा है, अब धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट सबको अलाउ कर रही है हर एक काम के लिए, और मैक रेस्टोरेंट भी धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। तो अभी तक हमें हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो भी बंद थे कोरोना की वजह से, जिनका इम्पैक्ट बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ। बट अभी जैसे ही ओपन होंगे तो डेफिनेटली पीपल विल गो आउट, ओके, लोग बाहर जाएंगे, ओके, फास्ट फूड खाने के लिए बाहर बच जाएंगे, रेस्टोरेंट में बाहर जाएंगे, मैकडी के लिए जाएंगे, मॉल में जाएंगे, और हर एक मॉल में आपको, जैसे कि पता ही है, कि मैकडी डेफिनेटली आपको मिल जाता है, और सबका फेवरेट भी होता है। केवल 30-40 रुपीज़, 50 रुपीज़ में इसका बर्गर भी आ जाता है। तो ये जैसे कोरोना से पहले लगभग 500 पे चलता था, और अभी 369 पे है, ओके। तो जैसे ही ओपन होगा एक बार रेस्टोरेंट, जैसे ही मैकडी अभी शुरू होने जो काफ़ी जगह हो भी गई है शायद, मुझे पता नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। बट अब जैसे ही ये अभी ओपन भी हो रहा है, जैसे धीरे धीरे, तो ओपन होते ही साथ ये 369 का शेयर 500 आने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 और 2 महीने। और ये धीरे धीरे, जैसे कि आप देख रहे हैं,
एक दिन का परफॉर्मेंस देख लिया, 5 डेज का देखिए, 1 मंथ का देखिए, धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस देता जा रहा है। और इसमें आप लगभग लगभग फिर अभी भी 500 को कैच करने में इसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही ओपन हुआ विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ्स ये आपको 500 के आसपास दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेस्टोरेंट में अभी इसमें वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम देख लेते हैं। 2004 में केवल 0.010 रुपीज़ का ये शेयर मिलता था। तो आप देखिए क्या बेहतरीन रिजल्ट, क्या बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस अपन कित, क्या बेहतरीन रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को इसने दिए है। ओके, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। जैसे कि बता रहा हूँ 500 के आसपास था, अभी भी ये काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लगभग 30-40% रिटर्न कमाने की। इसके अलावा आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो ये शेयर 52 वीक लो 5 सितंबर को, जैसे कि आप देख रहे हैं, 2001 में 261 रुपये में मिलता था, और 4 फरवरी 2020 में लगभग 500 रुपीज़ का ये शेयर था। और आज के दिन ही लगभग 35.96% की यहाँ पर डिलीवरीज भी दिखाई गई है। एक बार मैं आपको रिटर्न के मामले में दिखा देता हूँ। तो एक दिन का रिटर्न पॉजिटिव, 1 वीक का पॉजिटिव, 1 मंथ में पॉजिटिव, 3 मंथ्स में देखिए लगभग 24.26% के रिटर्न, 1 ईयर में 32। और मैं आपको मैक्सिमम दिखाना चाहता हूँ। मैं ऑलवेज बात करता हूँ कि जितना आप लंबा खींचोगे उतना अच्छे रिटर्न आपको मिलेगा। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि 10 साल में 11,070.69% लगभग लगभग 11,000% के रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए है। तो आप समझिए अगर किसी ने थोड़े से भी पैसे 10 साल पहले लगाए होते तो उसके पैसे कितना लखपति और करोड़पति वो इजीली हो जाता। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रोमोटर्स के पास है, और प्रोमोटर्स के पास लगभग 59.12% की होल्डिंग है शेयर्स। FIIs ने, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने, अपनी हिस्सेदारी कम करी है -2.53 से, अब उनकी 10.12 है। म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले 11.27 थी अब 12.36 है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.72 से 6.16। अदर DIIs ने हिस्सेदारी अपनी -0.03 से कम करी है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने 0.03 मतलब 12.21% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड भी बढ़ा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी बढ़ा रही है, प्रोमोटर्स के पास भी एज यूजुअल शेयर है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये फ्यूचर में डेफिनेटली देगा। और आप लंबे समय के लिए जाते हैं तो मैं आप ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 11,000 से ज़्यादा के रिटर्न इसने 10 साल में दिए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स देखिए, इसके रिजर्व्स क्या रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। 445, 451.90, 447, 448, और अभी 451.90 करोड़ के रिजर्व्स। कंपनी का डेट देखिए, 0 डेट, मतलब कंपनी के पास किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है। और ये एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है कि उसके पास किसी भी तरीके का, उसको किसी का भी कोई लोन नहीं देना, किसी तरीके का उसे पैसा नहीं देना। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करेंगे तो कुछ खास नहीं है, केवल 23 लाख रुपए का यहाँ पर उनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। बट ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस देखेंगे फ्यूचर, ऑल ओवरऑल इनका अगर परफॉर्मेंस भी देखते हैं, ओवरऑल देखो बैलेंस शीट देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देखिए क्या शानदार ऊपर की तरफ है। इसके अलावा रिटर्न देखिए 10 साल में 11,000। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए और रिजर्व्स देखिए, प्लस में कंपनी डेट फ्री है। तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी बन सकती है। और शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट टर्म में ये पहले 500 का चलता था और अभी ये लगभग 369 का है। तो जैसे ही ओपन होगा तो 500 रुपये तक टच होना डेफिनेटली फॉर श्योर, ये 500 रुपये टच कर जाएगा और बाकी ऊपर भी जा सकता है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मिल सकते हैं। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसको ऊपर स्टडी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात कर सकते हैं। और चाहे तो, और ज़्यादा महंगा शेयर भी नहीं है, केवल 369 रुपीज़ में मिल रहा है। एक दो क्वांटिटी उठा लीजिए,
पांच क्वांटिटी उठा लीजिए, 10 क्वांटिटी उठा लीजिए एज पर योर कैपेसिटी, और आपको अच्छा रिटर्न मिलने की गारंटी है। तो थैंक यू सो मच, यहीं पर ही हम वीडियो को क्लोज करते हैं। बट बंद करने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस तरीके की वीडियो चाहते हैं और तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।